गुड मॉर्निंग। इन दिस वीडियो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्वाड्रिलेटरल जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई सर्कल क्वाड्रिलेटर के अंदर रखा हुआ है तो क्या प्रॉब्लम पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ आप ये सर्कल जो देख पा रहे हैं, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज गिवन है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन अभी पहले इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल रखा है और उसकी साइड्स गिवन है, राइट, किसकी साइड्स गिवन है, क्वाड्रिलेटरल की, और उनमें से किसी दो साइड का एंगल परपेंडिकुलर हो, तो ये भी कंडीशन मेंशन की है, दो साइड का एंगल जो है परपेंडिकुलर है, साइड्स गिवन है। तो जो अननोन साइड को निकालने के लिए हम लोग जो कंसेप्ट यूज करते हैं वो टेंजेंट का कंसेप्ट यूज कैसे करते हैं, राइट। तो इस टिप में हम वो देख ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ ये सर्कल है और इस सर्कल की ये रेडियस गिवन है ओ टू एस, राइट। यहाँ दूसरी एक साइड गिवन है बी टू पी और ये बी टू सी, ये पूरा गिवन है, राइट। तो यहाँ इसको देखते हैं। तो अभी जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट, उसमें हम ये मेंशन कर दिया है, कर देते हैं कि गिवन जो है वो रेडियस है, दैट इज योर बोथ 10 सेंटीमीटर का है, बी सी जो है वो 38 सेंटीमीटर है, पी बी जो है वो 27 सेंटीमीटर है, गिवन है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू द डी सी। तो ए डी क्या है, वो ये है और डी सी के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ भी वो सेम पॉइंट हम लोग यूज करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं टेंजेंट का, और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट कंसिडर करते हैं जहाँ से टेंजेंट चलते हैं। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर वो क्या है, तो सबसे पहले व्हाट इज द पर्पज ऑफ 90 डिग्री एंगल, यहाँ जो मेंशन किया है क्वेश्चन में उसका पर्पज क्या है वो देखना है। तो यहाँ डी पॉइंट जो है वो 90 डिग्री का है, ये डी सी, ये आपका एक टेंजेंट हुआ जो इंटरसेक्ट करता है आर पॉइंट पर, और दूसरा डी ए, और ये इंटरसेक्ट करता है एस पॉइंट पर, और रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर हो तो उसकी जो साइड होगी तो एक स्क्वायर जो है वो डेवलप होगा, तो आपका स्क्वायर जो है वो ये डेवलप हुआ है, और इसकी अगर रेडियस जो है वही उस स्क्वायर की साइड होंगी। तो एक तो आपने ये फाइंड आउट कर लिया इस लॉजिक से कि एस डी जो है वो 10 सेंटीमीटर का होगा, तो डी एस जितना है उतना ही डी आर होगा, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो गिवन था हम लोगों के पास में कि उसमें से एक एंगल जो है 90 डिग्री है, राइट, तो ये 90 डिग्री एंगल से ये कंक्लूजन आ चुका है। तो डी आर हम लोगों को पता लग चुका है, या डी एस जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी उसको यूज कर लेंगे। सेकंड पॉइंट पर इन्होंने पी बी पॉइंट से पी तक का डिस्टेंस दिया है, राइट। तो ऑब्वियस है कि ये अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट कंसिडर करते हैं तो एक टेंजेंट ये गया है और दूसरा टेंजेंट ये है, तो इंटरसेक्ट करते हैं पी और क्यू पर, तो बी से पी डिस्टेंस है 27 सेंटीमीटर, तो बी टू क्यू डिस्टेंस कितना होगा, ये भी 27 सेंटीमीटर होगा, तो इसको भी हम 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या दिया है, बी टू सी ये डिस्टेंस दिया है, तो ये डिस्टेंस कितना है 38 सेंटीमीटर, तो अगर मुझको सी क्यू डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 38 में से ये 27 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 11 सेंटीमीटर। तो सी क्यू जो मिला मुझको वो 11 सेंटीमीटर मिला। तो अब ये जो सी आर है ये कितना होगा, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सटर्नल पॉइंट करता हूँ कंसीडर, तो सी ये जो टेंजेंट है इसको इंटरसेप्ट करता है, यहाँ इंटरसेक्ट करता है क्यू पॉइंट पर और इसको करता है आर पॉइंट, तो जो सी क्यू डिस्टेंस होगा उतना ही सी आर होगा, तो ये 11 सेंटीमीटर है, तो ये भी 11 सेंटीमीटर होगा। तो अब आप लोग क्या फाइंड आउट कर चुके हैं, अब आप फाइंड आउट कर चुके हैं कि अगर सी एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे तो सी आर डिस्टेंस कितना होगा, सी क्यू कितना होगा, अगर आप डी एक्सटर्नल पॉइंट कंसिडर करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना और ये डिस्टेंस कितना, ये भी क्लियर हो चुका है, बी अगर एक्सटर्नल पॉइंट कंसिडर करेंगे। तो अब जो हम लोगों के पास में पॉइंट है,
तो उसको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में क्या हो सकता है, क्वेश्चन में ये हो सकता है कि वो सी क्यू डिस्टेंस पूछ लें, क्वेश्चन में ये हो सकता है कि बी क्यू डिस्टेंस पूछ लें, या फिर सी टू डी डिस्टेंस पूछ लें, क्योंकि ये अननोन थे और ये अभी लॉजिकली फाइंड आउट किए हैं सी डी। तो सी डी जो होगा 10 प्लस 11 सेंटीमीटर होगा, मतलब कि डी आर प्लस आर सी के इक्वल होगा। तो देखते हैं प्रॉब्लम और उससे ये क्लियर करते हैं कंसेप्ट। तो यहाँ पहले पॉइंट पे गिवन है कि डी एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, जैसे कि मैं अभी आपको बोल चुका हूँ। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो इसके साइड होगी स्क्वायर की वो रेडियस के इक्वल होगी। तो ओ एस इज इक्वल टू ओ आर, दैट इज इक्वल टू रेडियस, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। और डी एस और डी आर जो है स्क्वायर की साइड है, एस और आर एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन इसके जो साइड्स होंगे वो आपके 10 सेंटीमीटर के होंगे। अब दूसरे पॉइंट को कंसिडर करते हैं। अब देखिए ये 90 डिग्री का हो चुका है और हाँ ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, ये जो डिस्टेंस है ये अभी हम लोग बता चुके थे। तो बी पी इज गिवन, ये बी पी गिवन था 27 सेंटीमीटर, राइट। तो बी क्यू वैसे ही ये होगा 20 सेंटीमीटर, 27। बी सी इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर, ये गिवन था। तो बी सी इज इक्वल टू बी क्यू प्लस क्यू सी होगा, और यहाँ पर बी क्यू तो हम लॉजिकली फाइंड आउट कर चुके हैं, क्यू सी की वैल्यू जो है 11 सेंटीमीटर होगी, राइट। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि अब ये इजी है। अब इन दो इक्वेशंस को जो आपने फाइंड आउट किया था, एक डी आर ये स्क्वायर के कंसेप्ट से, और एक ये सी आर इज इक्वल टू, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 10 प्लस 11 हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो इस वीडियो में इतना ही, दूसरी किसी वीडियो में दूसरा कोई टिप्स लेकर आएंगे तो वहाँ से उस प्रॉब्लम को समझने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ एक बार आप इसको देख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर कोई सर्कल गिवन है और किसी साइड को फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ दो कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे, एक तो टेंजेंट का और एक स्क्वायर का, राइट। सो इस वीडियो के लिए, देखने के लिए थैंक यू आपका, आपके टाइम के लिए। और कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप मैसेज बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।